फातिमा बेगम जो 1892 से 1983 तक हमारे बीच रही, एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म निर्देशक माना जाता है। 4 साल के भीतर उन्होंने कई फिल्मों का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस फातिमा फिल्म्स लॉन्च किया, जो बाद में विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स बन गया, और 1926 में अपनी पहली फिल्म बुलबुल ए परिस्तान का निर्देशन किया। वह 1892 से 1983 तक रही और 3 बच्चों की माँ भी थी। फातिमा बेगम का जन्म भारत में एक उर्दू भाषी मुस्लिम परिवार में हुआ था। फातिमा बेगम की शादी सचिन राज्य के नवाब सिदी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान तृतीय से हुई थी। हालांकि नवाब और फातिमा बाई के बीच विवाह या अनुबंध होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह नवाब ने अपने किसी भी बच्चे को अपने बच्चे के रूप में मान्यता दी है, उसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि याकूत खान ने उन्हें तलाक दे दिया था। फातिमा और याकूत की 3 बेटियां जुबैदा, सुल्ताना और शहजादी थी। पति से अलग होने के बाद फातिमा ने तीनों बेटियों बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी। फातिमा बेगम की तीनों बेटियां 1920 से 1936 के बीच भारतीय मूक साइलेंट फिल्मों की अभिनेत्रियां थीं। कुछ लोग मानते हैं कि फातिमा ने किसी और अमीर आदमी से शादी की थी, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। फातिमा मूक सुपरस्टार जुबैदा, सुल्ताना और शहजादी की माँ थी। वह हुमायूं धनराजगीर और दुर्रे शहर धनराजगीर जुबैदा के बेटे और बेटी की दादी थी। हैदराबाद के महाराजा नरसिंगिर धनराजगीर और सुल्ताना की बेटी जमीला रज्जाक और एक प्रमुख व्यवसायी सेठ रज्जाक भी फातिमा को अपनी दादी बताते थे। वह मॉडल से अभिनेत्री बनी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उर्दू मंच से की थी और बाद में वह फिल्मों में चली गई थी और अर्देशीर ईरानी जी की मूक फिल्म वीर अभिमन्यु 1922 से शुरुआत की। अर्देशीर ईरानी साहब उस वक्त के मशहूर निर्देशक थे। अपनी पहली फिल्म से ही दर्शकों के बीच फातिमा खूब फेमस हो गई थी। और आपको बता दें, इस फिल्म में उनकी बेटी के रोल में उनकी 2 असली बेटियों ने ही अदा किए थे। कहते हैं कि फातिमा ने जब फिल्मों में कदम रखा तो उससे पहले ही इनकी तीनों बेटियां फिल्मों में कदम रख चुकी थी। उनकी बड़ी बेटी शहजादी की जानकारी कम ही है, लेकिन उनकी दूसरी बेटी जुबैदा और सबसे छोटी बेटी सुल्ताना ने फिल्मों में अपनी काबिलियत से सबको अपना मुरीद बनाया था। फिल्म जगत में ऐसा मौका कभी नहीं आया कि एक ही परिवार की 4 हसीन महिलाएं एक साथ फिल्मों में काम करती हो। उन दिनों पुरुषों के लिए नाटकों और फिल्मों में महिलाओं की भूमिका निभाना आम बात थी, इसीलिए वह एक बहुत बड़ी महिला सुपरस्टार बन गई। फातिमा बेगम बेहद गोरी थी और उन्होंने गहरे रंग का मेकअप किया था, जो स्क्रीन पर सीपिया ब्लैक एंड व्हाइट छवियों के अनुकूल था। अधिकांश भूमिकाओं में नायकों के साथ साथ नायिकाओं के लिए भी विग की आवश्यकता होती है। 1926 में उन्होंने फातिमा फिल्म्स की स्थापना की, जो बाद में 1928 में विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स के रूप में जानी गई। वह फंतासी सिनेमा के लिए अग्रणी बन गई और वह फातिमा फिल्म्स में अपनी फिल्मों में लेखन, निर्देशन, निर्माण और अभिनय करते हुए कोहिनूर स्टूडियो और इम्पीरियल स्टूडियो में एक अभिनेत्री थी। ये दोनों स्टूडियो उस वक्त से सबसे बड़े और नामी स्टूडियो थे। उनके साथ फातिमा जी ने न केवल अपना बल्कि अपनी बेटियों का करियर भी संवारा, लेकिन सबसे अधिक सफलता और प्रसिद्ध हुई जुबैदा बेगम। बेगम अपनी 1926 की फिल्म बुलबुल ए परिस्तान के साथ भारतीय सिनेमा की पहली महिला निर्देशक बनी, जबकि वर्तमान में फिल्म का कोई ज्ञात प्रिंट मौजूद नहीं है। आपको बता दें, बुलबुल ए परिस्तान उस वक्त की महंगी फिल्म थी। आपको बता दें, ये फिल्म जुबैदा के यानी उनकी बेटी के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि फातिमा ने इसमें अपनी बेटी को ही लीड में कास्ट किया था। अपने काम का निर्माण और प्रदर्शन जारी रखते हुए फातिमा ने 1938 में अपनी आखिरी फिल्म दुनिया क्या है तक कोहिनूर स्टूडियो और इम्पीरियल स्टूडियो के लिए काम किया। उन्होंने कई अन्य फिल्मों का निर्देशन किया है। 1927 में चंद्रावली, हीर रांझा, 1929 की कनक तारा, मिलंदिनार, नसीबनी देवी, शकुंतला, वर्ल्ड प्रिंस, इन 7 फिल्मों से उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। उनकी आखिरी फिल्म 1929 में भाग्य की देवी थी। 1983 में 91 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को उनकी बेटी जुबैदा ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने एक मूक फिल्म स्टार होने के अलावा भारत की पहली टॉकी फिल्म में अभिनय किया, जो थी आलमारा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे पास उनकी किसी भी फिल्म का कोई प्रिंट नहीं है। फिल्मोग्राफी 1922 वीर अभिमन्यु एक्ट्रेस डेब्यूटेड साइलेंट फिल्म,
1926 बुलबुल ए परिस्तान, डायरेक्टर, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। देवी ऑफ लव 1927, डायरेक्टर हीर रांझा। 1928 डायरेक्टर चंद्रावली। 1928 डायरेक्टर 1930 डायरेक्टर 1930 गॉडेस ऑफ लक डायरेक्टर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।